सूरत के सिविल कैंपस के किडनी अस्पताल में लगे 200 किलोवाट के सोलर पैनल हर महीने बचा रहे हैं 2 लाख बिजली। सूरत के सिविल परिसर में निर्मित किडनी अस्पताल भवन में 65.11 लाख रुपए की लागत से 200 किलोवाट का सोलर पैनल प्रोजेक्ट चालू किया गया है। अंतिम तिथि 2 दिसंबर से शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट से हर महीने 2 लाख रुपए की बिजली की बचत होगी और सिविल कैंपस की हर बिल्डिंग को किडनी बिल्डिंग के साथ ग्रीन बिल्डिंग बनाने का लक्ष्य है। ऋतु भरा मेहता ने कहा। डॉक्टर आर मेहता ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत सिविल कैंपस में किडनी अस्पताल भवन का न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, यूरोसर्जरी और कार्डियोलॉजी और कार्डियो सर्जरी में इलाज शुरू करने के उद्देश्य से किया गया है। भवन का बाहरी ढांचा वर्ष 2020 में बनकर तैयार हुआ था और आंतरिक ढांचे में वार्ड, ऑपरेशन थिएटर का निर्माण किया जाना था। इस बीच कोरोना से आने वाली इस बिल्डिंग में कोरोना मरीजों के लिए 800 बेड का इंतजाम किया गया था। तब से यहाँ पुराने अस्पताल भवन में दवा विभाग का शिफ्ट कर मरीजों को 4थी और 5वीं मंजिल तक भर्ती किया जा रहा है।